हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम इस वीडियो में हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास ट्वेल्थ का पहला चैप्टर शुरू करेंगे और उस चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक्स इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी तो इसमें सबसे पहले कुछ थोड़ी सी बेसिक चीज़ें आती हैं जिसमें वो बोल रहे हैं कि स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स इज ए यूनिवर्सल प्रॉब्लम यानी आज जो भी हमें रिसोर्सेज की कमी हो रही है वो एक यूनिवर्सल में यूनिवर्सल प्रॉब्लम है तो ये क्या है मतलब वट डज़ द एग्जैक्टली मीन तो वो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी एक कंज्यूमर की एक प्रोड्यूसर की या एक पर्सन की नीड्स हैं वो किससे ज़्यादा है रिसोर्स से जो भी आज के टाइम पे हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल हैं उससे जो हमारी नीड्स है वो ज़्यादा हैं और ये सही भी है क्यों क्योंकि हम जैसे इंसानों की नीड्स तो कभी ख़त्म ही नहीं होती अगर हमें एक चीज़ अचीव हो जाती है हमें दूसरी चीज़ चाहिए होती है दूसरी हम अचीव कर लेते हैं हमें तीसरी चाहिए होती है लेकिन हमारी नीड्स की तो कोई लिमिट नहीं है बट वी हैव अ लिमिट ऑफ आर रिसोर्सेज और ये सिर्फ माइक्रो लेवल पर ही नहीं यानी एक कंज्यूमर एक इंडिविजुअल के लेवल पर ही नहीं होता है पूरे मैक्रो लेवल पर होता है यानी एक वास्ट एक बड़े लेवल पर होता है तो हमारी डिमांड्स बहुत ज़्यादा है हमारी नीड्स वो भी बहुत ज़्यादा है लेकिन जो सप्लाई और जो रिसोर्स है हमारे पास वो कम है दूसरी चीज आती है कि जो भी लिमिटेड रिसोर्स हैं हमारे पास आर नॉट ओनली स्कैर बट हैव ऑल्टरनेटिव यूज एज वेल अब वो कह रहे हैं रिसोर्स हमारे पास सिर्फ लिमिटेड ही नहीं है लेकिन जो रिसोर्स अवेलेबल हैं भी उनके बहुत मल्टीपल यूजेज होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लैंड है तो हम लैंड सिर्फ एक चीज़ की प्रोडक्शन के लिए नहीं यूज़ कर सकते पूरा हम उस लैंड को अलग अलग चीज़ों की प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं जैसे वीट राइस शुगर केन ये तो हो गया एक माइक्रो लेवल का एग्जाम्पल और यही अगर हम माइक्रो यानी पूरी इकोनॉमी के रिसोर्स की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल हम उसका एक रिसोर्स लेके चलते हैं दैट इज़ कॉल्ड टैक्स रिसोर्स तो टैक्स रिसोर्स या टैक्स रेवेन्यू जो हम जनरेट करते हैं वो भी सिर्फ हम एक चीज़ पर नहीं यूज़ कर रहे हैं हम डिफेंस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए उनका प्रोडक्शन करने के लिए परचेस करने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं और साथ ही साथ हम कंस्ट्रक्शन ऑफ नाइट शेल्टर्स के लिए भी टैक्स रेवेन्यू का ही यूज़ कर रहे हैं तो यानी रिसोर्सेज जो हैं वो स्कैस भी हैं यानी बहुत कम भी हैं और जो कम रिसोर्सेज हैं उनके ही मल्टीपल यूजेस भी हैं तो इन सब से क्या हम मेन मोटिव क्या है हमारा इन सब से एक प्रॉब्लम राइज होती है जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस प्रॉब्लम ऑफ़ चॉइस का मतलब है कि हमें चूज़ करना पड़ता है कि हम इस चीज़ को यहाँ यूज़ करें या वहाँ यूज़ करें क्योंकि रिसोर्सेज कम है और उनके मल्टीपल यूज़ हैं तो इसका क्वेश्चन बन के आता आ सकता है एग्जाम में जो होता है व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तो उसमें ये जो हमने पीछे पूरा एक्सप्लेन किया है हमें वो सब उसके सोल्यूशन में हमें ये बताना है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती कहाँ से है अगर हमारे पास हर चीज़ के लिए रिसोर्सेज होते हैं तो हमें को चूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती हम हर चीज़ कर सकते थे एक एक करके बट वेन वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज तो हमें सोचना पड़ता है और डिसीजन लेना पड़ता है कि मैं किस चीज़ के लिए कौन सा रिसोर्स कहाँ यूज़ करना है अब वो क्या बात कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हमें किस चीज़ पर फोकस करना है तो एज अ कंज्यूमर हम अपनी चॉइस करते हैं इस चीज़ पे फोकस करने के लिए कि हमें एक मैक्सिमम लेवल ऑफ सैटिस्फेक्शन मिले और अगर हम प्रोड्यूसर हैं तो हम ये सोचकर एक चॉइस करते हैं कि हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट हो और अगर हम यही इसी चीज़ को माइक्रो मैक्रो लेवल पर जाकर सोचें तो एक इकॉनमी के लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है कि जो उसकी सोसाइटी है उसकी ग्रोथ हो और उसका वेलफेयर हो तो वो ये पर्सपेक्टिव माइंड में रख अपना चॉइस लेते हैं अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स होता क्या है सो इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इशूज अराइजिंग डे टू स्कैर्स रिसोर्स एंड ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्स हम यहाँ पर उन सारी प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं जो भी अराइज करती हैं हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम की वजह से लिमिटेड रिसोर्स और मल्टीपल यूज रिसोर्सिस की अब इकोनॉमिक्स को हम दो चीज़ों में क्लासीफाई कर सकते हैं वन इज एट माइक्रो लेवल एंड अनदर वन इज मैक्रो तो माइक्रो का मतलब होता है छोटा स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है बिग यानि बड़ा अब उनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है माइक्रो और मैक्रो में माइक्रो इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट एन इंडिविजुअल लेवल यानी पर्सनल लेवल और मैक्रो इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स टू कंसीडर द इकोनॉमी एज अ होल यानी पूरी इकोनॉमी की जो भी हम प्रॉब्लम्स में डील करते हैं वो होता है माइक्रो अब माइक्रो का एग्जाम्पल हो गया डिमांड सप्लाई मैं किसी भी प्रोडक्ट की पर्सनली अपने लिए डिमांड या सप्लाई के बारे में अगर बात करूँ तो मैक्रो हो गया एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई यानी पूरी इकोनमी में एक चीज़ की डिमांड कितनी है और एक चीज़ की सप्लाई कितनी है माइक्रो का दूसरा नाम होता है प्राइस थ्योरी मैक्रो का दूसरा नाम होता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी अब मेन कंसर्न क्या है माइक्रो का माइक्रो इज कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट सिर्फ आउटपुट के बारे में सोचते हैं हम और अगर हम यह मैक्रो में बात करें तो वो है डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट यानी वो पूरी इकोनमी के उस पर्टिकुलर चीज़ के आउटपुट के बारे में सोचते हैं अब माइक्रो का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स अब मैं एज अ पर्सन अगर बात करूँ तो अगर मुझे केक बनाना है फॉर एग्जाम्पल तो मेरे पास जितने भी केक बनाने के लिए रिसोर्स अवेलेबल हैं तो मैं चाहूँगी कि मैं केक बनाने में उन रिसोर्सेज को अच्छे से प्रॉपरली और सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकूँ ताकि मेरा एक अच्छा केक प्रपेयर हो यहीं अगर आप मैक्रो लेवल के ऑब्जेक्टिव की बात करें देन इट कम्स टू फुल एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपेंशन विद प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी वो यहाँ ये कह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं हमारी इकोनमी में वो सारे के सारे एम्प्लॉयड हों वो सारे के सारे काम कर रहे हों सारे के सारे अर्न कर रहे हों और अर्न करने के साथ साथ एक्सपेंड भी करें ग्रो भी करें विद प्रोडक्शन कैपैसिटी यानी एज पर अवेलेबल कैपैसिटी वो लोग काम भी करें और साथ साथ ग्रो भी कर सकें सो दैट सेट फॉर दिस वीडियो आगे हम टॉपिक्स अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आया हो या, या यूजफुल लगी हो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू